तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन वाले पेज में हम लोग चले जाते हैं और वहाँ से हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी रीच टू दैट पेज। ओके, सो हियर वी आर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द होल चैप्टर साइकोलॉजी। बहुत से स्टूडेंट्स ने ले लिया है साइकोलॉजी। अब मैं तुम लोगों से एक सवाल करती हूँ, तुम लोगों ने क्यों साइकोलॉजी लिया? अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि भाई हमें तो अपने आप को जानना था, खुद को जानने के लिए हम लोगों ने साइकोलॉजी ले लिया। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई हम जानना चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या लोगों के मन में पूरे दिन चलता क्या रहता है ये। और कुछ लोग साइकोलॉजी इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उन्हें जानना है कि इंसानों को सपने क्यों आते हैं और वो जैसा बिहेव करते हैं वो वैसा क्यों करते हैं। इन द सेंस कोई भी, मतलब जैसे कि भीड़ में लोगों को मारने पीटने लग जाते हैं या फिर कोई भी लोग जो है वो एक दूसरे को हेल्प करने लग जाते हैं, तो वो आखिर क्या चीज़ है जो उन्हें प्रोन करता है कि वो ऐसा स्टेप उठाएं। तो साइकोलॉजी अगर बात करें तो सवाल पूछता है, किन चीज़ों के बारे में सवाल पूछता है? इंडिया के हिसाब से, इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन के हिसाब से साइकोलॉजी सवाल ये पूछता है कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं, लोग क्यों रोते हैं, क्यों लोग हंसते हैं, क्या चीज़ है जो कॉमन है इन लोगों के बीच में, क्या है जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे इंडिया में ही नहीं काफ़ी कंट्रीज़ में अनहैप्पी क्यों रहते हैं, क्या मेन रीज़न है वो जानने के लिए। What changes should they bring about in themselves? यानी कि ऐसा कौन सा चेंज है जो वो लोग अपने लाइफ में लाते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा कि उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही हैप्पीनेस से भर जाएगी। ये सारे सवाल कौन करता है? साइकोलॉजी करती है। नेक्स्ट अगर हम लोग जाएँ तो साइकोलॉजी का जो नॉलेज है वो ह्यूमन के वेलबींग के कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि ह्यूमन्स को समझता है, पढ़ता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसलिए साइकोलॉजी एक समाज सेवा की तरह ही काम करता है, राइट? तो अगर हम लोग बात करें तो दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, पर कहीं ना कहीं अगर हम लोग जाके देखें तो इन प्रॉब्लम्स का जड़ जो है वो है ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमन से ही सारी प्रॉब्लम आती है। अगर तुम लोगों ने अपना चैप्टर पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस का, चैप्टर वन, जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस है तो उन लोगों को पता होगा पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स जो है वो, उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगी, पर पॉलिटिक्स जो है वो आता अल्टीमेटली कहाँ से है? हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स जाके कभी कभार कुछ मैल प्रैक्टिसेस वगैरह करने लग जाते हैं, तो आखिर में ये पॉलिटिक्स वर्ड, या चाहे नेगेटिव एस्पेक्ट पे हो या पॉजिटिव एस्पेक्ट पे हो, लेकिन पॉलिटिक्स जो वर्ड है वो हमारी वजह से आता है। वैसे ही सेम कोई भी प्रॉब्लम जो कि दुनिया में हम लोग देखते हैं वो हमारे, अल्टीमेटली हमारी वजह से ही आता है, अगर तुम लोग ध्यान से सोचो समझो तो, ठीक है? साइकोलॉजी जिस स्टूडेंट ने लिया होगा बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए वो सोचे, विचार करे और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसे अप्लाई भी करे। तो ये था हमारा साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। अब आगे हम लोग बात करें तो साइकोलॉजी में हम लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो ऐसी पॉजिटिव चीज़ है जो इंसान को फोर्स करती है, जैसे कि मेजर HPS, व्हाट वाज द नेम, मेजर HPS अलुवालिया, ये एक पैरालाइज्ड व्यक्ति हैं। इनका जो वेस्ट है, वेस्ट डाउन से वो कमर के नीचे से उनका जो पूरा पार्ट है वो पैरालाइज्ड है, बट ऐसी क्या चीज़ है जिसने उन्हें पावर किया, क्या चीज़ है जो जिसने उन्हें मोटिवेट किया कि वो एक बहुत ही, मतलब माउंटेन क्लाइंब कर गया, इतने ऊंचे माउंटेन को क्लाइंब कर गया। और दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो एक टेररिस्ट या फिर बहुत ही टेररिस्ट अटैक, इंडिया की बात करें तो इंडिया में काफ़ी टेररिस्ट अटैक उसके हिस्ट्री में हम लोग जाए तो हुई है। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो ह्यूमन को फोर्स करती है टू किल अदर, टू हार्म अदर्स, ये भी साइकोलॉजी क्वेश्चन करता है, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं उसके आंसर पे भी फोकस करता है, ठीक है? तो साइकोलॉजी क्या है? एक ह्यूमन साइंस है जो कि स्टडी करता है ह्यूमन की नेचर को, उनके बिहेवियर को, उनके एक्सपीरियंसेस को, और ब्रॉडली स्टडी करता है ह्यूमन के लाइफ को। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लिया है तुम लोगों ने, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा था ना? तो चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज साइकोलॉजी, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि तुम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट भी करो, ठीक है? टिल देन थैंक यू वेरी मच टू वॉच द होल वीडियो।